हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बिजनेस का, जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। और हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, फीचर्स बोल दो। और मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज अपने टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़? बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सर एक तो है इंडस्ट्री और आपका दूसरा है कॉमर्स। ठीक है बच्चों, इंडस्ट्री फिर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। कुछ याद आ रहा हो, 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें बेसिक पढ़ा था, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी दो पार्ट्स में है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अभी मैं आपको सारा चार्ट समझा देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड इज जेनेटिक, अभी नाम से समझ लो। फिर आपका है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो पार्ट्स में है सर, एक तो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो अच्छी तरीके से। चलो, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर कंस्ट्रक्शन। कौन सा है? कंस्ट्रक्शन सर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फिर चार पार्ट्स में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। अपन सब मतलब समझेंगे, पहले आप देख लो कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर कंस्ट्रक्शन इज नॉट डिवाइडेड इंटू, है ना, तो वो कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड नहीं हो रहा किसी भी पार्ट में। कंस्ट्रक्शन में आता है आपका बिल्डिंग्स और डैम्स, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के कोई पार्ट्स नहीं है। फिर आता है सर टर्शरी, टर्शरी में आता है आपका बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सब मतलब बताऊंगा अभी मैं, अभी नाम देखो। फिर होता है सर, एक होता है इंडस्ट्री और सर एक होता है कॉमर्स। ठीक है बच्चों, कॉमर्स फिर है ट्रेड एंड एड सू ट्रेड। वॉट? कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड एड सू ट्रेड। सर ट्रेड क्या? ट्रेड यानी खरीदना बेचना। ट्रेड फिर दो पार्ट्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इज दैट क्लियर? इंटरनल फिर दो पार्ट्स में, होलसेल और रिटेल। बड़ा लग रहा होगा लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग, ईजी है। एक्सटर्नल फिर तीन पार्ट्स में, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड सर एंट्री पोर्ट, इज दैट क्लियर? और एड्स टू ट्रेड क्या होते हैं? हिंट देता हूँ बेटा, ट्रेड करने में जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है, जो चीज़ें ट्रेड करने में हेल्प करती है, उसको एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। सर इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका बैंकिंग, जो अपन ने पढ़ा ऊपर, टर्शरी इंडस्ट्री के सारे टॉपिक एड्स टू ट्रेड में आते हैं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड सर एडवर्टाइजिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, अब अपन अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, अब मैं सबका मतलब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या पढ़ेंगे सर? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है सर, ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? आप सब जानते हो, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना भैया, ठीक है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सर, एक तो एक्सट्रैक्शन और दूसरा कौन सा होता है? जेनेटिक। ठीक है बच्चों, एक्सट्रैक्शन आप समझ रहे होंगे, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे सर। रेजिंग प्रोडक्ट, रेजिंग यानी एक्सट्रैक्टिंग प्रोडक्ट यानी नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, जैसे हम लोग अर्थ से, अर्थ यानी ज़मीन से हमको क्या मिलते हैं सर? मिनरल्स। फिश मिलती है सर कहाँ से? रिवर से। तो ये एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, इज दैट क्लियर? और सर इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है? सर माइनिंग एंड फार्मिंग आर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री होती है? एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक बेसिकली किससे जुड़ी होती है? ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी सर एग्जाम्पल इसका जैसे मिल्क ऑप्टेन करना, मिल्क ऑप्टेन करना कहाँ से आता है सर? मिल्क सर गाय से। ठीक है, तो वो जेनेटिक का पार्ट होगा। पोल्ट्री फार्मिंग का जो एग्जाम्पल होगा ये किसका पार्ट होगा सर? जेनेटिक का। लगभग जो प्लांट्स एंड एनिमल से जुड़ा हुआ है, फ्लोरा एंड फोना से जुड़ा हुआ है, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी एनिमल से हम लोग को मिल रहा है, वो किसका पार्ट होगा सर? जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। ब्रीडिंग प्लांट्स यानी जो भी हम लोग प्लांट्स से रिलेटेड, तो ब्रीडिंग यानी नए नए तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, है ना, इतने सारे पौधे आते हैं, इतने सारे पेड़ आते हैं, ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक तरीके से, ये ब्रीडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो
ये तो हो गया सर प्राइमरी इंडस्ट्री, कितने पार्ट्स में, दो, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सर सेकंड कौन सा होता है, सेकंड होता है बच्चों आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या होता है सर सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसमें क्या आता है, सिंपल सी बात है, जो मैंने प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट किए, अब मैं उसको कन्वर्ट भी तो करूँगा भाई, उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कन्वर्ट किया जाता है वो किस में किया जाता है सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इज़ दैट क्लियर, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है सर, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने की खेती होती है, वो कहाँ से आता है सर, प्राइमरी इंडस्ट्री। शुगर केन को, शुगर केन से जो हम लोग शुगर प्रोड्यूस करते हैं, वो सर किसका पार्ट है, सर सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ रही बात, ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था सर, शुगर केन प्राइमरी, और उससे जो बनता है फिनिश गुड वो कौन सा होता है सर, शुगर, गुड़ भी बनता है, याद है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक डेफिनेशन होती है ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है सर, फिनिश गुड्स। अब आपके मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला आता है सर एनालिटिकल इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी दो पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चार पार्ट्स में सर। इसमें सबसे पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। सर व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री बेटा, एक रॉ मटेरियल को जब एनालाइज किया जाता है और उससे काफ़ी सेपरेट प्रोडक्ट बनते हैं, एक बेसिक रॉ मटेरियल से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रूड ऑयल जैसे कच्चा तेल, समझ में आ रही बात, कच्चे तेल को प्रॉपर रिफाइन किया जाता है, उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं, यस सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं सर, यस सर। कैरोसिन बनता है, यस सर। तो जब बेसिक एक रॉ मटेरियल यहाँ पर क्रूड ऑयल है, उसको एनालाइज किया गया, रिफाइन किया गया, उसको सेपरेट किया गया, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बने सर, उसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर और नॉट, यस सर, दिस इज एनालिटिकल। फिर होता है आपका सिंथेटिकल। सर ये क्या है, दो या दो से ज़्यादा केमिकल या बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको जब कंबाइन किया जाता है और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, दो या दो से ज़्यादा केमिकल या उससे भी ज़्यादा केमिकल जब मिक्सअप किए जाते हैं और उनको कंबाइन किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो सर उसको बोलते हैं सिंथेटिकल। सर एग्जाम्पल जैसे सीमेंट, सीमेंट को बनाने में काफ़ी सारी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो सीमेंट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कॉस्मेटिक्स कोई कोई भी जैसे फेस वॉश होता है या फिर ना कॉस्मेटिक कोई क्रीम होती है, उसमें कई सारी चीज़ों का केमिकल्स को मिक्सअप किया जाता है तब जाकर वो क्रीम बनती है, ठीक है। तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पासेस थ्रू स्टेजेस और उससे नए नए प्रोडक्ट आते हैं। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर शुगर इंडस्ट्री का ही ले लो, पहले शुगर केन, शुगर केन को और प्रोसेस किया तो क्या बनता है सर, शुगर बनती है, ठीक है, गुड़ बनता है, तो प्रोसेस के हिसाब से होता जा रहा है। सर पेपर इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल, पेपर किससे बनता है सर, वुड से बनता है, तो प्रोसेस किया तब जाकर वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, पेपर में कन्वर्ट हुआ। इज़ दैट क्लियर, तो दिस इज़ व्हाट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, काफ़ी सारी स्टेजेस के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल नाम से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं, जैसे टीवी हो गया, कार होगा, कंप्यूटर हो गई, और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है बच्चों, तो वो असेंबलिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी कितने पार्ट्स में, दो, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट्स पढ़े, एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। इज दैट क्लियर और नॉट, है ना। फिर होता है बेटा आपका कंस्ट्रक्शन, फिर होता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये समझ में आ रहा होगा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए काम किया जाता है सर, बिल्डिंग्स बनाना, इज दैट क्लियर, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, ये सब किसका काम होता है सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का होता है। फिर सबसे आपका इंपॉर्टेंट रहता है प्राइमरी हो गया सर, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक उसके पार्ट थे, सेकेंडरी हो गया, दो पड़ता है उसके मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, तीसरा आता है आपका टर्शरी इंडस्ट्री। सर इसमें क्या आता है, टर्शरी में देखना ढंग से आप लोग, यस टर्शरी में आता है आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है। सर ट्रांसपोर्ट किस चीज़ के लिए आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम रहता है सर, प्लेस की, कौन सी, प्लेस की, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
बैंकिंग सर कौन सी प्रॉब्लम उठाता है? फाइनेंस, पैसे की। इंश्योरेंस किस चीज़ को कवर करता है? रिस्क को। मैं आपको डिटेल में आगे भी बताऊंगा कि आगे भी टॉपिक आएगा, अभी तो मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को क्या करता है सर? पहुँचाता है। तो प्लेस की प्रॉब्लम उठाता है। बैंक आपको पैसा देती है, ठीक है, तो पैसे को बोलते हैं फाइनेंस। इंश्योरेंस आपके जो भी रिस्क होते हैं, चोरी हो गई, आग लग गई, उसको कवर करता है। एडवर्टाइजिंग सर क्या करता है? सर एडवर्टाइजिंग आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेयर हाउसिंग यानी गोडाउंस, बहुत सारे दुकानदारों के बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं सर, जिसमें वो स्टोर करके रखते हैं, तो वेयर हाउसिंग स्टोरेज की प्रॉब्लम हटाता है। और सर वेयर हाउसिंग किसकी प्रॉब्लम हटाता है? सर टाइम की। ऐसा क्या होता है, देखो आज मान लो आपके पास गोडाउन है या वेयर हाउस है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, आज आपके कस्टमर आया आपकी शॉप पर और उसको कुछ चाहिए, अगर आपके पास गोडाउन होगा तो आप वहाँ से उस अपने कस्टमर को चीज़ दे सकते हो? अगर नहीं होता तो सर, सर तो बहुत प्रॉब्लम होती, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। तो टाइम की बचत होगी भैया, वो चीज़ अगर गोडाउन पे पड़ी हो तो टाइम की बचत होगी। तो गोडाउन यानी वेयर हाउसिंग, जब भी बोलूँ मैं आपको, गोडाउन एक छोटा सा वर्ड है, वेयर हाउसिंग एक वाइड वर्ड है। तो स्टोरेज एंड टाइम की प्रॉब्लम को क्या करता है सर? हटाता है। इज दैट क्लियर? फिर आता है आपको इंडस्ट्री के बाद आता है बेटा आपका कॉमर्स, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का, तो ध्यान से समझो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? कॉमर्स, इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। अब दूसरा कौन सा था सर? कॉमर्स। सर कॉमर्स क्या होता है? वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम लोग सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कर सकते हैं सर क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही बात? यानी वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू, कॉमर्स तो वैसे सब्जेक्ट होता है लेकिन कॉमर्स एक्चुअल में है क्या? वर्ड किससे डिराइव्ड है सर? कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग सेल, एक्सचेंज या ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। अच्छा, कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आपका ट्रेड, ठीक है सर। ट्रेड क्या होता है? गुड्स को बाय और सेल करना। ट्रेड फिर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों? दो पार्ट्स में सर। एक है आपका इंटरनल ट्रेड, इंटरनल है देश के अंदर भाई, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी अगर मैं इंडिया टू इंडिया, मान लो मैं मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कोई चीज़ क्या कर रहा हूँ सर? सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वो इंटरनल ट्रेड है? यस सर, इंटरनल ट्रेड है, क्योंकि देश के अंदर है ना। तो जो भी मैं देश के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, सेल परचेज कर रहा हूँ, वो इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड फिर मैंने आपको बताया था दो पार्ट में सर, एक तो होलसेल और सर एक होता है रिटेल। होलसेल का मतलब क्या होता है बेटा? होलसेल का मतलब वो पर्सन जो लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। होलसेल ट्रेड का मतलब वो दुकानदार जो लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में डील करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे आप लोगों ने बुक वाले देखे होंगे जो बुक्स होलसेल में सेल आउट करते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी शूज़ की फैक्ट्रीज देखी होगी सर, ये होलसेल में डील करते हैं बल्क। जब भी मैं होलसेल बोलूँ, बहुत सारा रिटेल यानी जो बेटा आपके घर के आसपास छोटी मोटी किराने की शॉप्स होती है सर। रिटेल यानी जो डील करती है स्मॉल क्वांटिटी में। किस में डील करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात, है ना। ये तो हो गया अपन का इंटरनल ट्रेड जो दो पार्ट्स में था, होलसेल एंड रिटेल। अब हम लोग बात करते हैं सर एक्सटर्नल। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल। सर ये एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल में क्या पूछा है? एक्सटर्नल में आता है बेटा आपका जो भी ट्रांजेक्शन दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ सेल किया या पाकिस्तान ने इंडिया को कुछ बेचा, तो दो देशों के बीच में जो ट्रेडिंग होगी, या फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब ध्यान दो, ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सर? तीन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बच्चों? तीन पार्ट्स में। क्या क्या? एक तो हो गया एक्सपोर्ट सर, एक हो गया इम्पोर्ट, एक हो गया सर एंट्रीपोर्ट। क्या हो गया? एंट्रीपोर्ट। अब एक्सपोर्ट तो समझ रहे हो, देश के बाहर जो भी हम लोग बेचते हैं। इम्पोर्ट जो देश के बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं सर? परचेज कर रहे हैं। इंडिया ने बाहर से परचेज किया यूएसए से, इम्पोर्ट। इंडिया ने यूएसए को सेल किया, एक्सपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है सर? इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करना। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बेटा एंट्रीपोर्ट का एग्जाम्पल देखो, मान लो इंडिया यूएस चाइना से खिलौने परचेज कर रहा है, टॉयज परचेज कर रहा है, और वही टॉयज इंडिया श्रीलंका को बेच रहा है। किसको बेच रहा है सर? श्रीलंका को। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ कि पहले इंपोर्ट किया इंडिया ने चाइना से, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पर? श्रीलंका में। दिस इज टर्म्ड एज एंट्रीपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
एंड रिपोर्ट बोलते हैं बच्चों, समझ में आया? तो मैंने क्या पढ़ा है, रिवाइज करें हम लोग। मैंने आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफिकेशन करना बताया, ये दो पार्ट्स में होता है सर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन पार्ट्स में होता है, एक होता है सर प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी दो पार्ट्स में होता है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एंड सेकेंडरी सर दो पार्ट्स में होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग फिर कितने पार्ट्स में होता है, चार, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और एनालिटिकल। कंस्ट्रक्शन का कोई पार्ट नहीं है और कंस्ट्रक्शन किसी में भी डिवाइडेड नहीं है। फिर टर्शरी बताया मैंने, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। फिर मैंने आपको कॉमर्स बताया, कॉमर्स दो पार्ट्स में, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी जो भी गुड्स एंड गुड्स को खरीदना और बेचना सर, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो ट्रेड को करने में हेल्प करता है। ट्रेड दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फिर दो तरह का सर, होलसेल और रिटेल। होलसेल लार्ज क्वांटिटी, रिटेल स्मॉल क्वांटिटी। फिर मैंने बच्चों आपको क्या बताया, यस सर आपने बताया कि यस मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है आपका एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्री इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का बेचना बाहर, इम्पोर्ट यानी खरीदना, एंट्री इम्पोर्ट यानी इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन का सेकेंड वीडियो है, अपन आराम से पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा अपन को लोड नहीं लेना। आप इसको रिवाइज़ करो, वीडियोज़ बार बार देखो और अपने कॉपी में नोट्स उतार दो, ताकि आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम कंज्यूम होंगे। वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखो और कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, ठीक है? तो काफ़ी है, थैंक यू।